इसमें हम आपको व्यंजन संधि का कुछ व्यंजन संधि कुछ रह गई थी उसमें व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि के विषय में आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। विसर्ग इसमें तय का प्रयोग, तय का योग और तय के बाद मैं का प्रयोग, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद इसमें ये विसर्ग संधि का किस किस प्रकार से जैसे इसका प्रयोग है। इसमें हम आपको संधि के विषय में बता रहे हैं और संधि में व्यंजन संधि, तो हम यहाँ पर आपको ये बता चुके थे कि ख वर्ग के पहले वाक मैं आदि पांच वाक कह चे चय तय पय के बाद पांचवा वर्ण आए तो पहला वर्ण पांचवे वर्ण में बदल जाता है, ये आपको बता चुके थे। मैं का अनुसार अथवा पांचवा वर्ण, मैं का अनुसार अथवा पांचवा वर्ण जो है पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण हो जाता है यदि बाद में कैसे मैं तक, यदि बाद में कैसे मैं तक, वर्ग का कोई भी वर्ण पंचमाक्षर को छोड़कर हो तो इस तरह से उदाहरण देखिए। जैसे इसमें बराबर संचय, इसमें देखिए मैं जो है मैं का अनुसार अथवा पांचवा वर्ण हो जाता है यदि बाद में कैसे मैं तक वर्ग का कोई भी वर्ण पंचमाक्षर को छोड़ करके पांचवें अक्षर को छोड़ करके हो तो चय हुआ, तो इसमें चय बनता है, मैं के बाद में चय है, तो इस प्रकार से यहाँ ये पांचवा वर्ण अर्थात संचय वर्ण यहाँ बनता है, संचय हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ संकल्प संकल्प अहम जमाकार अहंकार सम जमा भावना संभावना, तो अब इसे हम तय के रूप में देखते हैं।
चे जे के दे ले आदि वर्ण आए तो आदि वर्ण आए तो जो वर्ण बाद में होगा जो वर्ण बाद में होगा तय वही बन जाएगा। इसमें देखते हैं उत्तर जमा चारण। अब देखिए ते वर्ण के बाद चे जे ते दे ले आदि वर्ण यदि आए तो वर्ण जो वर्ण बाद में होगा ते वही बन जाएगा। तो सीधा सा जैसे ते ते हलन ते इसके बाद में चे आया हुआ है, आप देख लीजिए इसमें चे भी है तो चे आया हुआ है, तो इस चे का देखो जो वर्ण बाद में होगा ते वही बन जाएगा। तो इस प्रकार से वही ते वही बन जाएगा, यहाँ चे है तो ते भी चे ही बन जाएगा। जैसे उच्चारण उच्चारण उच्चारण, इसी प्रकार से सत जन ये भी इसी प्रकार से तय के बाद जय है जय, तो तय जो है वो जय का ही रूप ले लेगा सज्जन। इसी प्रकार से आगे ये सभी रूप इसी प्रकार के हैं। तो रिरी रे से के बाद रिरी आगे देखते हैं रे शे बाद न होने पर न होने पर न का न हो जाता है। ने का ने हो जाता है भले ही बीच में कोई स्वर भले ही बीच में कोई स्वर केवल केवल प्रेवर्ब या ये रे ले वे है आ जाए। ये आ जाए तो इसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं जैसे परिणाम परिणाम जैसे परिणाम। अब यहां देखिए
हमने कहा यही रे छे के बाद ने होने पर इन तीनों में से यदि कोई वर्ण है तो उसके बाद ने होने से ने ने का ने हो जाता है, भले ही बीच में कोई स्वर हो, क वर्ग हो या प वर्ग हो या ये ले ले वे है आ जाए, कोई भी आ जाए लेकिन उसका रे का ने हो जाता है। तो इसमें देखिए परि रे रे के बाद में ने है, इसलिए इसमें क्या बनता है परिणाम, ये परिणाम बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे रिरी रिरी में और इसका हो जाता है ऋण, ये ऋण बन जाता है। तो इसी प्रकार यहां पर ये संधि आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। अब इसी ही प्रकार से हम यहां पर विसर्ग संधि के अंदर कर देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। तो इसमें विसर्ग संधि का ओ विसर्ग से पहले ए हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, इसमें विसर्ग का ओ विसर्ग से पहले और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए वर्ण का तीसरा चौथा
विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या। इसमें यहां पर जब पहले पद में विसर्ग से पहले ए हो जब पहले पद में विसर्ग से पहले विसर्ग से जब पहले पद में विसर्ग से पहले ए हो और बाद में वर्गों का बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये रे 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 है हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, तो विसर्ग को हो जाता है। इसमें जैसे 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 में मनः रथ विसर्ग से पहले ए और बाद में वर्गों का तीसरा तीसरा चौथा और पांचवा पे फे बे भे में तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये रह गए वे है हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो यहां पर जैसे मनः रथ इसमें विसर्ग से पहले ए और बाद में यहां पर रथ इसमें ये रे रे वे के रे ए भी है और रे भी है तो इसका ओ हो जाता है, तो यहां विसर्ग का ओ बन जाता है। तो मनो और आगे रथ मनोरथ। इसी प्रकार से यहां पर ये सभी उदाहरण दिए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से देख लेना।
इसमें हम आपको अब आगे बता रहे हैं, जब पहले पद के अंत में ए आ से भिन्न और बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा कोई स्वर हो अर्थात आए तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे दो गति दो गति जब पहले पद के अंत में ए ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण हो तो यहां पर ये बन जाता है दुर्गति। इस तरह से यहाँ पर हम इसे देखते हैं और इसके बाद और आगे बताएंगे।